हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपनीज और उनके फाउंडर। तो जो भी कंपनी है और उनके फाउंडर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन्हीं पर बेस्ड आज की ये हमारी वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, और जो अभी स्क्रीन पे रेफरल कोड चल रहा है शिक्षा 10, इसी रेफरल कोड को आपको यूज़ करना है। ठीक है, एज इट इज़ यूज़ करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है, और इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपके हर एक कोर्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करिए, रेलवे की, SSC की, या किसी की भी। तो अपनी तैयारी को अगर आप अच्छे एक नए वे पे ले जाना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एकदम सीरियस होके, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन ले ही लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फेमस कंपनीज एंड देयर फाउंडर पे बेस्ड। चलिए देखते हैं भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन में था कि वॉलमार्ट के संस्थापक कौन हैं। वॉलमार्ट जो कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता है वॉलमार्ट कहते हैं जहाँ भी जाती है, वहाँ से जितने भी मॉल्स हैं या फिर जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वॉलमार्ट क्या करती है कि बहुत ही बल्क में सामान जो है वो लोग डायरेक्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में लेते हैं, और फिर बहुत कम प्राइस पे, ठीक है, काफ़ी कम प्राइस पे, जो आपका नॉर्मल जो शॉपकीपर होते हैं, जो आपके दुकानदार होते हैं, वो भी इतने कम प्राइस पे कई बार चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पाते जितने कम प्राइस पे वॉलमार्ट जो है लोगों को चीज़ें अवेलेबल करा देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में सामान लेते हैं, स्टॉक बहुत बड़ा सा लगा लेते हैं। तो इस वजह से जो है कहते हैं कि जहाँ भी वॉलमार्ट यहाँ पे आने वाला था तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, दुकानदार जो है काफ़ी सारे बवाल कर रहे थे कि भाई हमारी तो रोजी रोटी इसी से चलती है, और वॉलमार्ट आ गया तो हमारी सारी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है कि वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है। तो वॉलमार्ट के संस्थापक है सैम वॉल्टन। वॉल्टन नाम से ही इन्होंने वॉलमार्ट जो है बनाया है, सैम वॉल्टन, याद रखिएगा, सैम वॉल्टन। ठीक है, 1962 में कब ओपन हुए थी, ये ओपन होने का टाइम भी आपका दिया हुआ है, कब फाउंड की थी, 1962 में जो है वॉलमार्ट आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है पेटीएम के संस्थापक। आपको पता है पेटीएम जो है आपकी इंडियन कंपनी है, लेकिन चाइना के पास भी कहते हैं कि इसके कुछ शेयर थे। अब जो भी है उस बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई चाइना के पास कितना क्या शेयर है, लेकिन है आपकी जो फाउंडर है वो इंडियन है। ठीक है, तो पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा द्वारा पेटीएम की स्थापना की गई कब, वर्ष 2010 में की गई थी। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर कोई भी आपका वन डे एग्ज़ाम होता है ना तो आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर तय होता है कि आपकी एक से दो क्वेश्चन किसी कंपनी पे बेस्ड, कंपनी और उनके फाउंडर अधिकतर आ जाता है। अगर आप देखो, चाहे आप अपना जो भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर जितने भी आपके SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स को उठा के देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं जो है आपका किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कौन हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह तो काफ़ी फेमस है तो इस वजह से इनका नहीं पूछा जाता, लेकिन नई जो कंपनियाँ आई वो, प्लस CEO वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो एक वीडियो मैं CEO पे भी बना दूंगी कि वर्तमान CEO जो हैं वो इन कंपनियों के कौन कौन हैं। ठीक है, कभी कभी जो है कई बार CEO पे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, गूगल के संस्थापक कौन हैं, गूगल के संस्थापक कौन थे, लैरी पेज और सर्फ ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्फ ब्रिन नाम के लोगों ने गूगल की स्थापना की थी कब, 1998 में। गूगल से पहले जो एक आपका था वो क्या था, याहू। याहू बहुत फेमस था, अभी भी याहू है, चलता भी है, पर इतना ज़्यादा जो है इसे नहीं अब यूज़ किया जाता जब से गूगल आ गया है। ठीक है, तो गूगल का तो बहुत ज़्यादा गूगल को यूज़ किया जाता है, तो ये सर्च इंजन जो है गूगल से भी पहले था याहू, लेकिन उसके बाद जब से गूगल आपका आया तब से याहू जो है लोगों ने कम यूज़ करना शुरू कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बिल गेट्स, और दूसरे शेयर होल्डर कौन है, पॉल एलन।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। मोस्टली लोग बिल गेट्स का नाम याद रखते हैं, ये भी आपके सेकंड शेयर होल्डर है, इनका भी नाम याद रखिएगा, पॉल एलन के साथ। ठीक है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? व्हाट्सएप के संस्थापक ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। व्हाट्सएप भी जो है फेसबुक ने अब आपकी क्या कर ली है, ले ली है। ठीक है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का हो गया है। ठीक है, अब आपने देखा होगा लिखा भी रहता है, तो व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सारी चीज़ें अब जो है फेसबुक ने ओन कर ली हैं, खरीद ली हैं। चलिए, तो लेकिन आपको फिर भी जो फाउंडर नेम है वो याद रखना होता है, ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम। 2009 में व्हाट्सएप जो है वो आपका आया था। अब है अमेज़न के संस्थापक कौन है? अमेज़न के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, सभी लोगों को पता है। ठीक है, 1994 में जो है अमेज़न की स्थापना हुई थी। ठीक है, अमेज़न की स्थापना कब हुई थी भाई? 1994 में हुई थी, जेफ बेजोस द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? फ्लिपकार्ट के संस्थापक आपको पता है, फ्लिपकार्ट जो है वो इंडियन है, इंडियन इनिशिएटिव है और बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। जितना अमेज़न से लोग सामान मंगाते हैं लगभग, अब बाहर नहीं इतना ज़्यादा होता है लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट आपके इंडिया में बहुत फेमस है, इसलिए इंडिया से काफ़ी लोग जो हैं, आप लोग भी हैं कई बार अमेज़न ने प्रेफर करके फ्लिपकार्ट को जो है प्रेफर करते होंगे, तो इस वजह से फ्लिपकार्ट जो है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो हैं 2007 में इन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है याहू। मैंने बताया था ना एक ही आपको उससे पहले का सर्च इंजन सभी लोग जानते होंगे, यूज़ भी किया होगा। याहू के संस्थापक कौन है? डेविड फिलो एंड जेरी यांग। ठीक है, डेविड फिलो एंड जेरी यांग जो है 1994 में याहू की स्थापना की थी। एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल जो है आपका बहुत सारी चीज़ें बनाती है, आपके आईफोन हो गए, मैकबुक हो गई, जो आपका लैपटॉप वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें एप्पल की, वॉच भी आती है, तो एप्पल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टीव जॉब्स, वैसे सभी लोगों को पता भी होगा ये, स्टीव जॉब्स 1976 में। ठीक है, 1976 में, डेट भी याद रखते जाइएगा कब स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है, तो 1976 में की थी। उसके बाद देखिए विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स। ठीक है, 2001 में विकिपीडिया की स्थापना की थी जिमी वेल्स ने। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मोटोरोला के संस्थापक कौन है? मोटोरोला के संस्थापक जो है पाउल एंड जोसेफ गैबलिन। पाउल एंड जोसेफ गैबलिन 1928। आपको पता है कि आपके जो छोटे मोबाइल हैं, जो छोटे शुरू में हैंडसेट चलते थे, उसमें आपका मोटोरोला का हुआ, नोकिया का हुआ, यही सब फेमस थे और मोटोरोला तो सबसे पहले आया था। ठीक है, तो पाउल एंड जोसेफ गैबलिन द्वारा 1928 में जो है मोटोरोला की स्थापना की थी। अब जो आप अगर आप मोटोरोला का सेट लोगे तो उसमें लिखा रहता है पावर्ड बाय लेनोवो, तो लेनोवो के साथ पार्टनरशिप है कुछ जो भी है उनका, तो अब तो वो पूरा एक तरीके से हम कह रहे हैं कि प्राइवेट नहीं कह सकते हो आप उसको, लेकिन पहले जो है अकेला था और क्या नाम था मोटोरोला, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी। ठीक है, फ़ोन इसके सारे इतने ज़्यादा जो हैं बहुत टाइम तक चलते थे फ़ोन, आप लोगों ने भी देखे होंगे। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सभी लोग जानते हैं, 2004 में जो है फेसबुक की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है अलीबाबा के संस्थापक कौन है? अलीबाबा के संस्थापक हैं जैकमा। 1999 में जो है अलीबाबा की स्थापना की गई। अलीबाबा जो है आपका मोस्टली वैसे तो चाइना वगैरह में और भी कोरिया वगैरह में भी जो है बहुत ज़्यादा ये सब जगहों फेमस है ये अलीबाबा। ठीक है, और आपका हर जगह ही वैसे डिलीवरी हो जाती है लेकिन इंडिया में इतना नहीं चलता है, अलीबाबा से लोग इतना नहीं सामान वगैरह मंगाते हैं, आपका मोस्टली जो है चाइना हुआ या पास की जो कंट्रीज़ हैं कुछ, उसमें ज़्यादा जो है अलीबाबा का क्रेज, तो इससे भी लोग काफ़ी जो है सामान मंगाते हैं। अब देखें नोकिया के संस्थापक कौन है? नोकिया के संस्थापक फ्रेडरिक आइडस्टन एंड लियो मैकेलिन। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेडरिक आइडस्टन एंड लियो मैकेलिन जो हैं वो नोकिया के संस्थापक हैं। ठीक, चलिए आते हैं, देखिए ये तो आप सभी को पता होगा इंडियन है। रिलायंस के संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी, जिनके दो बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे 1997 में इन्होंने रिलायंस की स्थापना की थी। 1997 में किसकी की थी? रिलायंस की स्थापना की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे,
ईबे के संस्थापक कौन है? ईबे, ठीक है, ईबे जो है उसके संस्थापक है पियरे ओमिडयार। ठीक है, पियरे ओमिडयार। इसमें सारी ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनीज लिखी हुई हैं या ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनका आपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी किया है। तो देखिए, ईबे के संस्थापक है पियरे ओमिडयार, और कब स्थापना हुई थी? 1995 में। ट्विटर के संस्थापक जितने भी आपके एक्टर्स हो गए, ठीक है, या जितने भी आपके बड़े बड़े लोग हैं, वैसे नॉर्मल लोग भी हैं, ट्विटर जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली आपके सेलिब्रिटीज जितने हैं वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई आपके पॉलिटिशियंस हो या कुछ भी हो, तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्स। ठीक है, याद रखिएगा, जैक डॉर्स। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, आप ज़्यादा अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट आपसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि सभी जानते हैं, है ना, बहुत फेमस भी सभी जानते हैं। अब आपसे जो पूछा जाएगा, लाइक ईबे के संस्थापक हो गया, ट्विटर के संस्थापक हो गया, तो इनको लोग कम जानते हैं, तो इस वजह से जो है क्वेश्चन ऐसे पे अब ज़्यादा बनते हैं। तो ट्विटर के संस्थापक है जैक डॉर्श, 2006 में जो है ट्विटर की स्थापना की थी। अब देखिए, आए इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? इंस्टाग्राम के संस्थापक है केविन सिस्ट्रोम। ठीक है, केविन सिस्ट्रोम और माइक करीजर। केविन सिस्ट्रोम और माइक करीजर जो है वो इंस्टाग्राम के संस्थापक है, 2010 में जो है इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2010 से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, लिखा हुआ है यूट्यूब के संस्थापक कौन है? यूट्यूब के संस्थापक कौन है? भाई, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, याद रखना चाहिए आपको कि कौन है, जावेद करीम और स्टी चैन। ठीक है, जावेद करीम और स्टी चैन जो है, उन्होंने 2005 में यूट्यूब की स्थापना की थी। YouTube खोला था, YouTube बनाया था। ठीक है, तो जावेद करीम और स्टिच है। उसके बाद देखिए स्काइप, स्काइप भी आप लोग जानते हो ना, जिसमें वीडियो कॉल वगैरह लोग करते थे, स्काइप पे कॉल, उसके संस्थापक कौन है? तो निकलस जैनस्ट्रॉम। ठीक है, निकलस जैनस्ट्रॉम है और जैनस फ्रिस है। निकलस जैनस्ट्रॉम और जैनस फ्रिस 2003 में इन्होंने स्काइप की स्थापना की थी। ये आपको जो पूरा का पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके बाद देखिए, लिखा हुआ है टेस्ला के संस्थापक कौन है? टेस्ला, टेस्ला की आपको पता है कारें वगैरह जो है बहुत अच्छी होती निकलती, यहाँ तो खैर नहीं बिकती। तो एलन मस्क जो है, उन्होंने 2003 में टेस्ला की स्थापना की थी। ठीक है, एलन मस्क नेम है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, इंटेल के संस्थापक कौन है? इंटेल, ठीक है, इंटेल के संस्थापक कौन है? गॉर्डन मूरे। इंटेल के संस्थापक है गॉर्डन मूरे, 1968 में इंटेल की स्थापना की थी। सैमसंग के संस्थापक कौन है? सैमसंग के संस्थापक है ली बायंगुनचुल। ठीक है, ली बायंगुनचुल, इन्होंने 1938 में की थी सैमसंग की स्थापना। अब इसमें नाम है कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है बताने के लिए कि आपको कुछ समझाया जाए, बस ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर में ही आपका पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, और उसके बाद आपको जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, इनको एक दो बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है ये याद रहेगा। चलिए, उसके बाद देखिए Xiaomi, Xiaomi कंपनी तो अभी बहुत ही ज़्यादा हाल ही में फेमस हुई थी, तो Xiaomi के संस्थापक कौन है? लाई जून। ठीक है, लाई जून है, 2010 में इन्होंने Xiaomi की स्थापना की थी। ठीक है, Xiaomi बोलिए, Xiaomi बोलिए, ठीक है, Xiaomi बोलते हैं बहुत सारे लोग। चलिए, तो Xiaomi के संस्थापक कौन है? लाई जून, 2010 में की थी स्थापना। चलिए, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज एंड देयर फाउंडर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले अगले एग्जाम्स के लिए, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपके वन डे का बहुत ही ज़्यादा जो है पसंदीदा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका समझ लीजिए रहता ही है, और अगर नहीं, बाई चांस भी नहीं रहता है, तो सीईओ से क्वेश्चन बन जाता है, कंपनी के सीईओ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सीईओ वाली भी एक वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको कंपनी एंड देयर सीईओ, देयर प्रेजेंट टाइम सीईओ, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है, और ये जितनी भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।